नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। उन इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात हो रही है जो आपके इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोगों ने अपने पुराने कुछ सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, योजनाओं के बारे में देखा जो इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज से जो चलेगा वो महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में हम लोग देखेंगे। दो पार्ट होगा इसका, ये पार्ट वन हम लेके आ रहे हैं, कल पार्ट टू आएंगे। तो दो पार्ट में हम क्या करेंगे कि इस बार जो 2023 में महत्वपूर्ण बिल, इंपॉर्टेंट बिल्स या महत्वपूर्ण विधेयक जो पास हुए हैं उन पे हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, और यहां से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कहां से इस पे प्रश्न आ सकता है, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिल्स पे बात होगी। तो चलिए फिर शुरू करें हमारा पार्ट वन, महत्वपूर्ण विधेयक का क्या है, कौन कौन से बिल हैं इसके लिए, ठीक है। और ये ध्यान में रखेंगे इसके दो पार्ट होंगे और दूसरा पार्ट कल आएगा। तो जो हमारा पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे जो इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बिल आया है महिला आरक्षण बिल के बारे में, ये खास है इस बार के लिए, इसके बारे में जानते हैं आइए क्या क्या बातें हैं। तो महिला आरक्षण बिल के बारे में हम बात करें तो आपको पता ही है कि जो देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं पे बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल इसका एनालिसिस नहीं होगा क्योंकि प्रीलिम्स के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो इस पे देखो क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ, आपको पता ही है, इसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 कहा गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ ये आपको पता होना चाहिए, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूपीएससी पूछ देगी कि महिला आरक्षण विधेयक कौन सा संविधान संशोधन है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद होना चाहिए आपको यह कौन सा है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है और इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको तीनों बातें ध्यान होनी चाहिए कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पास हुआ, ये आपका 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। अभी तक महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित नहीं थी, तो ये अभी जो नया विधेयक आया है इसके द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली की भी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई है, ठीक। और यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है महिलाओं के लिए, और उसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित सीटों पर यह लागू होगा महिलाओं के लिए। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा अगर इस विधेयक के बैकग्राउंड पे हम बात कर लें तो थोड़ा सा अगर आप इसके पृष्ठभूमि पे देखें तो ये जो महिला आरक्षण विधेयक है इस पे चर्चा 1996 में पहली बार हुई थी, पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके कार्यकाल में ही की गई थी क्योंकि तत्कालीन सरकार के पास उस समय बहुमत नहीं था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय बहुमत नहीं था, इसलिए इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बस, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कब कब क्या क्या प्रावधान इसके लिए किए गए प्रयास, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख ही रहे हैं तो 1996 में पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था, ठीक है, बहुमत नहीं मिल पाया इसलिए पास नहीं हो पाया। 1998 से 2003 के बीच में सरकार ने चार बार इस विधेयक को पेश किया लेकिन पारित कराने में असफल रही। 2009 में भी सरकार ने विधेयक पेश किया, बहुत विरोध हुआ, पास नहीं हो पाया। 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ। 2014 में विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद थी, जो अब जाकर के ये 2023 में विधेयक पास हुआ जिसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक की आखिर में आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विधेयक की आवश्यकता की बात करें तो लोकसभा में 82 महिला सांसद यानी 15.2% और राज्यसभा में 31 महिला यानी कि संख्या मात्र 13% है पूरे सदस्य संख्या में, जबकि पहली जो लोकसभा थी उसमें 5% के बाद से यह संख्या बढ़ोतरी हुई है। जब पहली लोकसभा का गठन हुआ था उसमें महिलाएं बहुत कम थी, मात्र 5%, लेकिन उसकी तुलना करें तो बड़ी है। लेकिन कई देशों की तुलना अगर हम करें
वैश्विक स्तर पे तो भारत में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक स्तर पे कम है। जैसे यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा है महिलाओं के को लेकर के, जो प्रतिनिधित्व को लेकर के, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो रवांडा में 61%, क्यूबा में 53%, निकारागुआ में 52% महिला प्रतिनिधित्व में टॉप पे है ये लोग। ठीक है, ये टॉप थ्री ऐसे कंट्रीज हैं, रवांडा, क्यूबा और निकारागुआ, जहां पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। और महिला प्रतिनिधित्व के मामले में अगर हम बात करें तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये भी भारत से आगे है महिलाओं के प्रतिनिधित्व में। भारत में कितना, 15.2% लोकसभा में, और राज्यसभा में मात्र 13%। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो 21% महिलाएं और पाकिस्तान में 20%। तो इस उद्देश्य के तहत इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ी इस विधेयक को पास करने की, और इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण दिया गया। कुछ विधेयक की खास बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस विधेयक में संसद के निचले सदन और निचला सदन, आपको पता है लोकसभा है, और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, यानी लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में। इस विधेयक को पूर्णतः पारित किए जाने के बाद सबसे पहले जनगणना और इसके परिसीमन कार्य होगा, इसके बाद ही यह अधिनियम लागू होगा। पास हो गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन गया है, लेकिन अभी यह लागू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अभी 2011 की जनगणना चल रही है। अभी नई जनगणना जब होगी, तब नई जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा कि यह अधिनियम लागू होगा। यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए भी आरक्षित सीटों पे लागू होगा। जो एससी और एसटी की आरक्षित सीट है वहां पर महिलाओं को आरक्षण में मिलेगा। यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक बना रहेगा। ठीक है, अभी शुरुआत 15 वर्षों तक है, आगे जाकर के फिर ये और। तो प्रत्येक परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए निर्दिष्ट सीटों में संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार इसमें बदलाव किया जाएगा। जब जब परिसीमन हुआ, तो आपको पता ना परिसीमन क्षेत्रवाइज होता है, तो सीटों की संख्या बढ़ती घटती है, तो उसके अनुसार फिर इसे संसद द्वारा आगे बदला जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रावधान है इस अधिनियम के, आप ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट वाइज सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। यहां पर बात करें तो यह विधेयक भारत के संविधान 1950 में 3 नए अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 330A, 332A और 334A शामिल करने का प्रावधान करेगा। ये अनुच्छेद शामिल होंगे। यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 239AA 239 क्लॉज AA संशोधन का प्रस्ताव करता है, और आर्टिकल 239AA दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। इनमें संशोधन होगा, ये नए अनुच्छेद आए हैं, ये सभी आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। विधेयक का उद्देश्य क्या है, महिला आरक्षण विधेयक का, कि राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं का जो अल्प प्रतिनिधित्व, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीतिक मुद्दों में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सके, राजनीतिक व्यवस्था में भारत के अपना योगदान दे सके, इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन होगा, नीति निर्माण के दायरे का विस्तार होगा कि कोई पॉलिसी बनाने से महिलाओं के भी विचार की भी प्रमुखता है, और महिलाओं के स्वप्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस आरक्षण विधेयक के बारे में ध्यान में रखना होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे वो है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। आपको पता ही है कि अभी तक आईपीसी चलती थी, आईपीसी को परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया है 2023। क्या है इस बिल में खास, ये भी हम लोग देखेंगे। तो भारतीय दंड संहिता 1860 था, इसके जगह पे नया आया है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब जो भी है ये सब औपनिवेशिक काल में बने थे वो, और अंग्रेजों ने उसे अपने अनुसार बनाया था, क्योंकि अंग्रेज भारत में हुकूमत करने आए थे, वो भारत को गुलाम बना के रखे थे, भारत का शोषण कर रहे थे, उस उद्देश्य से इन्होंने ये कानून बनाए थे। तो इन सबको चेंज करने के उद्देश्य से यह अब लाया गया है। तो 1860 में जो भारतीय दंड संहिता बनी थी उसके जगह अब लेगी भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। ठीक है, तो ये भी विधेयक है, नाम ध्यान में रखेंगे, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 किसका स्थान, भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लेगी जो 1860 में बना था।
भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारत की आपराधिक संहिता है जिसे वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम ये भी अब एक्ट ध्यान में रखिएगा कि 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उस एक्ट के द्वारा 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग के अनुरूप में 1807 में इसे तैयार किया गया आईपीसी को। 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था इस अधिनियम में इसके लिए बातें की गई थी और ये जाकर के 1860 में तैयार हुआ था। अब उसका जगह ले लिया भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 ने। अब इस विधेयक की क्या खासियत है जो आई है नई वाली, यह जो विधेयक है इस विधेयक में आतंकवाद अलगाववाद सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे ये जितने भी अपराध हैं इन सब की परिभाषा है। पहले आईपीसी में आतंकवाद अलगाववाद कोई सरकार के विरुद्ध अगर सशस्त्र विद्रोह कर देता है और जैसे उल्फा वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या कोई देश की संप्रभुता को चुनौती देता है तो इसकी परिभाषा नहीं थी, इस विधेयक में इनकी परिभाषा दी गई है। ठीक है जी, जिनका पहले कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेख किया गया था, पहले वाले कानून में केवल इन शब्दों का उल्लेख था, नए वाले में इनकी परिभाषा दी गई है। यह राजद्रोह के अपराध को निरस्त करता है, यह ध्यान में रखिएगा। आईपीसी में एक अपराध था राजद्रोह का अपराध, आप लोगों ने देखा होगा जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस समय हमारे बहुत से नेताओं को इस के राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब क्या है कि जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 आई है इसके तहत राजद्रोह के अपराध को निरस्त कर दिया गया है जिसकी औपनिवेशिक अवशेष के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति या असहमति पर अंकुश लगाता है। तो मैंने बताया कि औपनिवेशिक काल का था, अपने अनुसार उन्होंने किया था, यह इंपॉर्टेंट है। यह मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान करता है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। मॉब लिंचिंग का अगर मामला है इसमें मैक्सिमम सजा मृत्यु दंड तक दी जाएगी। ठीक है, जो हाल के वर्षों में खतरा सबसे ज्यादा है मॉब लिंचिंग, इसमें विवाह के झूठे वादे कर महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर 10 वर्ष कैद का प्रस्ताव है जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है कि किसी भी महिला से शादी का वादा करके अगर उसके साथ यौन संबंध बनाया और उससे अगर विवाह नहीं की किया तो 10 वर्ष के सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के तहत। विधेयक जो है वो विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान करता है कि कुछ ऐसे अपराध है कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि जेल में ही सजा काटा जाए, मतलब उन अपराधों की एक लिस्ट बनेगी जो विशिष्ट अपराध इसलिए कहा जाए उसके लिए उनको दिया जाएगा कि आप सामुदायिक जाकर सेवा करें। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इसलिए ये अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने में मदद करेगा। इसलिए अब मान लो किसी ने छोटी मोटी चोरी की, छोटी मोटी चोरी का मतलब जैसे लोग पॉकेट मार लेते हैं, ठीक है, अब इसके लिए उनको जेल में बिना मतलब भर देना तो ये क्या है कि ये फिर क्या होगा, तो उनको सामुदायिक सेवा में सजा मिलेगी। वो क्या करेंगे कि मान लो कोई अनाथ आश्रम है, कोई एनजीओ है, उसमें जाकर के वो काम करेंगे। ठीक है, वहां पे जाकर लोगों की सेवा करने का काम में मिलेगा, इससे क्या होगा, सुधरेंगे भी और जेल में भीड़ कम होगी। विधेयक में चार्ज शीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है। पुलिस जब किसी मामले के तहत तक पहुंच जाती है तो चार्जशीट दाखिल करती है, उसके लिए जो टाइम लिमिट है 180 दिनों की अधिकतम समय सीमा दी गई है जिससे अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी चार्जशीट पेंडिंग पड़ी है, अच्छा चल रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है कि 180 दिन के अंदर चार्जशीट किसी भी मामले में मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है इतने के अंदर दाखिल करना ही होगा। ठीक है, अगला जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये सीआरपीसी जो था ये सीआरपीसी के जगह ये विधेयक आया है। इंपॉर्टेंट है ये सब विधेयक इस बार के लिए, इस बार प्रीलिम्स में सवाल जरूर बनेंगे, जरूर ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है। ये देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में दंड प्रक्रिया संहिता आई थी उसकी जगह अब लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023। ये सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानूनों के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती है,
इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 से भारत में यह लागू हुई थी। ठीक है, इसे क्या है अब इसकी जगह स्थान लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023। क्या खास बात है इस विधेयक की, तो क्या विशेषताएं हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 की, अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये जो है इसके तहत परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। अब टेक्नोलॉजी का सहारा ले लेकर के ये हो सकता है, कैमरे से रिकॉर्ड, ये सब सारी चीजें, ठीक है, जिससे कार्रवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति भी मिलती है। मान लो अगर किसी को देना है जज को, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना क्या है कि गवाह गवाही दे सकता है। क्या होता है कि मान लो तत्काल के किसी निर्णय में गवाही की जरूरत है और गवाह बहुत दूर है, ठीक है, वो आ नहीं सकता, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जो गवाही देगा वो मान्य होगा इसके तहत। ये इंपॉर्टेंट है। यह विधेयक जो है यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है। इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। यह कदम साक्ष्यों को संरक्षित करने और जबरदस्ती या हेर फेर को रोकने में सहायता करता है। ऐसा क्या होता है जो लोग यौन हिंसा से बच गए हैं उनकी गवाही है, तो क्या होता है कि एक तो लोक लाज और समाज का होता है सबके सामने फेस करना, तो इन सब चीजों से मुक्ति की, वो जहां पे है वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यह विधेयक पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिनों में सूचित करना अनिवार्य करता है। इस विधेयक के द्वारा जो पुलिस है वो शिकायत की क्या स्थिति है 90 दिनों के अंदर सूचित करेगा, जिससे जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पुलिसिंग में थोड़ा सुधार आएगा, किसी भी काम में देरी पुलिस नहीं करेगी। टीआरपीसी की धारा है धारा 41 से और धारा 35, आपको धारा याद रखने की जरूरत नहीं, ये समझ के लिए है। इसको पुनः क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है जिसमें यह कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी रैंक का जो अधिकारी है वो इसकी पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, विशेषकर ऐसे दंडनीय अपराधों के लिए जिसके 3 वर्ष से कम की सजा अथवा अपराध 60 वर्ष अधिक आयु वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया। यह ध्यान में रखिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है इस बार कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है तो उसके लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी की मंजूरी चाहिए ही चाहिए। डीएसपी रैंक से नीचे का कोई भी अधिकारी गिरफ्तारी के लिए मंजूरी नहीं दे सकता, भले वो इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, डीएसपी रैंक का चाहिए, और खास तौर से ऐसे दंडनीय अपराधों के लिए जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा अथवा अपराध 60 वर्ष अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासतौर से ध्यान में रखिएगा। इस विधेयक के अनुसार पुलिस को 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, और इससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। यह फरार अपराधियों पर न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की भी अनुमति देता है। मान लो कोई अपराधी फरार है, अब उसका केस पेंडिंग चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, अगर उस पर दोष सिद्ध हो जाता है वकील लोग अपना काम करेंगे, सजा हो जाएगा, और जब भी गिरफ्तार होगा डायरेक्ट अपना सजा काटते चला जाएगा। तो ये सब इसके तहत चेंज हुए हैं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें इसमें, तो इसमें जो मजिस्ट्रेट है उनको ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। इसके द्वारा मजिस्ट्रेटों के सामने भी ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज अगर आए, इनके रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, ठीक है, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिलेगी। मृत्यु की सजा के मामलों में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिनों के भीतर, राष्ट्रपति के पास 7 दिनों के भीतर दाखिल की जानी है। इस नए विधेयक के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये सभी इस विधेयक में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। एक और नया विधेयक है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये तीनों जो भी हमने देखा ना, जो आईपीसी, सीआरपीसी चेंज हुआ और जो ये तीनों इस बार के लिए ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिला आरक्षण बिल तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि देखो ये दो पार्ट में, आज पार्ट वन है, कल पार्ट टू हम लोग करेंगे। इस पर क्या है कि दो पार्ट में जितने इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात होगी, ठीक है, जहां से सवाल आने की ज्यादातर चांसेज है या उम्मीद है।
तीसरा जो विधेयक है वो है भारतीय संहिता बिल 2023। ये क्या कहता है ये देखो, तो ये एक साक्ष्य अधिनियम था 1872 में, ठीक है, उसके जगह पे ये आया है नया भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा भारत में पारित किया गया था और भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबंध मुद्दों पर एक सेट शामिल। क्या होता है, मान लो कोई अपराध हुआ, अपराध के तहत क्या होता है, पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है ना सबूत, तो सबूत के ऊपर है कि सबूत के लिए क्या क्या नियम होंगे, नियम कानून होंगे, उसके लिए यह विधेयक है। तो अभी तक काम इसके तहत होता था, अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 आ गया है, अब जो काम होगा इसके तहत होगा, ठीक है। इस पे इसके कुछ खास विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या खास विशेषताएं हैं, तो यह जो भी विधेयक है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है जो किसी भी माध्यम से संग्रहित या पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है। इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी अनुमति दी गई है, इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अनुमति नहीं थी। तो ये विधेयक बिल जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के किसी भी उपकरण के द्वारा, पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में टीवी वगैरह के द्वारा या सीडी कैसेट या वीसीआर के पहले के जमाने में ये सब चलता था, लेकिन अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो अगर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है तो वो अब इसके तहत माना जाएगा। डिजिटल डेटा के दुरुपयोग अथवा इसमें किसी प्रकार का बदलाव होने से रोकने के लिए यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रमाणिकता और विश्वसनीयता हेतु विशिष्ट मानदंड निर्धारित करेगा। अब ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है छेड़छाड़ हो सकता है, तो छेड़छाड़ ना हो इसके लिए भी इसके नियम कानून मानदंड बनेंगे कि वो इन परीक्षणों से होकर के गुजरेगा, वो सब इसके तहत बातें हैं। यह डीएनए जैसे जो साक्ष्य है उसमें सहमति कालानुक्रमिक दस्तावेज आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान करता है जो जैविक साक्ष्य की सटीकता विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं, तो डीएनए वगैरह के साक्ष्य पर भी इकट्ठा। विशेषज्ञ की सलाह को मेडिकल राय और लिखावट विश्लेषण जैसे साक्ष्यों को के रूप में मान्यता देता है ये, ठीक है, जो किसी मामले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा कि कोई मेडिकल राय है या कोई लिखावट जो राइटिंग एक्सपर्ट होता है अगर वो पहचान ले लिए तो ये सब भी अब सबूत के तौर पर मान्य होंगे। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोषता की धारणा का परिचय देता है जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। केवल संदेह के आधार पर अपराधी नहीं होगा जब तक उसके ऊपर दोष साबित न हो जाए, ये है। तो जो साक्ष्य सबूत उसको जो दोष साबित करने के लिए है तो ये सब इसके तहत नए वाले विधेयक के तहत बातें की गई हैं, ठीक है। अगला जो एक और हमारा इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए क्योंकि ये नया डाकघर भी विधेयक आया है। क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसमें पहले से चेंज हो गई हैं। क्या खास बात है ये देखिए, डाकघर विधेयक 2023 का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरसित करना है जो 125 वर्षों से अस्तित्व में है। यानी यह अधिनियम 1898 में आया था भारतीय डाकघर अधिनियम, वही अभी तक चल रहा था, अब उसके जगह डाकघर विधेयक 2023 में आया है नया। क्या है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम भारतीय डाक को विनियमित करता है, ठीक है, भारतीय डाक इंडियन पोस्टल आप सभी को पता है। इस विधेयक के तहत आपातकालीन अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अथवा किसी भी उल्लंघन की घटना पर केंद्र को किसी भी वस्तु को रोकने खोलने या हिरासत में लेने एवं सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने का अधिकार दिया जाएगा। ये जो नया अधिनियम आया है इसके तहत अगर केंद्र को लगता है ये सुरक्षा की दृष्टि से ये पोस्टल सामग्री जो है ये खतरा उत्पन्न कर सकती है तो उसको जब्त करने खोलने हिरासत में लेने सबकी अनुमति जो नया डाकघर विधेयक आया इसके तहत है। क्या क्या खास बातें हैं इस विधेयक की ये देखें, खास बात है कि जो डाक अधिकारी है किसी भी वस्तु को अंतर्रुद्ध कर सकता है, पहले ऐसा नहीं था कि पहले किसी भी सामान को क्या है कि डाक अधिकारी न तो रख सकता था न तो खोल सकता था, अभी भी सारे सामान को नहीं खोलेगा जो संदिग्ध लगेगा जिस पे आशंका हुई कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यह विधेयक केंद्र को राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों सार्वजनिक व्यवस्था
आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा अथवा अन्य कानूनों के उल्लंघन के हित में, यह ध्यान में रखिएगा। ऐसे मामलों के बारे में, ऐसा नहीं कि सबका पैकेट खोल के चेक करेगा, इतना तो अधिकारी के पास काम है नहीं। तो ऐसे मामलों के उल्लंघन में किसी भी अधिकारी को किसी भी वस्तु को रोकने, उसको खोलने अथवा हिरासत में लेने का अधिकार देता है इन नया वाला विधेयक। यह उपबंध डाक अधिकारियों को डाक वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने की भी अनुमति देता है यदि उन्हें संदेह हो कि उनमें कोई निषिद्ध वस्तु है अथवा ऐसी वस्तुओं पर शुल्क लगाया जा सकता है, तो यह भी अधिकारी करेगा। तो यह सब इस विधेयक में नई बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। डाकघर को दायित्व से छूट है, जैसे यह विधेयक डाकघर तथा उसके अधिकारी को डाकघर द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के दौरान अगर किसी वह वस्तु की हानि हो जाती है, गलत डिलीवरी हो जाती है, देर हो जाता है या नुकसान हो जाता है, तो उस सभी दायित्वों से डाकघर जिम्मेदार नहीं होगा, डाकघर को छूट मिलेगी इससे, सिवाय ऐसे दायित्व जो कि निर्धारित किया जा सकता है उसके आधार पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले डाकघर की जिम्मेदारी होती थी, अब नहीं होगी, ठीक है। तो नए विधेयक से छूट है। 200 दंडों की समाप्ति इस विधेयक के द्वारा कर दी गई है। विधेयक 1898 अधिनियम के तहत सभी 200 दंड को समाप्त कर दिया। जो पुराना वाला अधिनियम था 1898, उस पे कोई भी दोष या दंड था डाकघर के अधिकारियों के लिए, तो वो सब अब इसके तहत समाप्त कर दिया गया है। उदाहरण के रूप में कि डाकघर के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध, जैसे मान लो कदाचार, धोखाधड़ी, चोरी सहित अन्य अपराधों को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अगर कोई पोस्टल चोरी हो जाए और लगे कि अधिकारी चोरी किया, तो अब वो इसके दंड के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाने के लिए शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है अथवा अपेक्षा करता है, तो ऐसी राशि वसूली योग्य होगी और उसे देय पूरा राजस्व का बकाया हो। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि नए वाले विधेयक से क्या क्या हुआ। केंद्र की विशिष्टता को हटाना, जो वर्तमान विधेयक है 1898 के अधिनियम की धारा 4 को हटा दिया गया है, जो केंद्र को सभी पत्रों को डाक से भेजने का विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है। कि केंद्र अगर कोई भी अपना पत्र अगर राज्यों को भेजता था तो पोस्ट से भेजता था, विशेषाधिकार के तहत था, तो ये सब अब हटा दिया गया इसके तहत। हालांकि कुरियर सेवाएं अपने कुरियर को पत्र के स्थान पर दस्तावेज पार्सल कहकर 1898 के अधिनियम की अवहेलना कर रही है, लेकिन ये अब चेंज हो गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो जो चेंज हुए हैं ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। निजी कुरियर पे सेवाओं का नियंत्रण, 2023 का विधेयक पहली बार निजी कुरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाएगा और उन्हें नियंत्रित करेगा। जितने भी प्राइवेट कुरियर सर्विस वाले हैं अब इस विधेयक के तहत आएंगे और काम करेंगे, ठीक है। अगला जो एक और हमारा इंपॉर्टेंट बिल है वो अभी ये पास हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल, बहुत ही खास है, प्रेस से संबंधित क्या क्या चीजें, पत्रिका से संबंधित, इसको देखते हैं इस बार के लिए। तो अभी हाल ही में हुआ है लोकसभा ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 जो 1867 में प्रेस और पुस्तक के रजिस्ट्रीकरण करता, कोई भी व्यक्ति अगर प्रेस खोलता है या प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस, और कोई भी व्यक्ति अगर बुक अपना छपवाना हो तो वो सब रजिस्ट्री कराना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कानून है, 1867 में कानून था, उस कानून की जगह नया आ गया है क्योंकि वो अंग्रेजों के समय का था, औपनिवेशिक विरासत का कानून था, इसके जगह पे आया है प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 पास किया गया है। इसके तहत क्या है कि यह विधेयक अगस्त 2023 में राज्यसभा द्वारा पहले ही पास हो चुका है, अब यह लोकसभा से कुछ दिनों पहले पास हुआ है। अब इसकी क्या खासियत है जो ये 2023 में प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक पास हुआ है, इसके तहत क्या क्या बातें हैं ये आप देखिए। इसके तहत जो पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, जो भी पत्रिका छपती है मैगजीन वगैरह, उसके बारे में है कि यह विधेयक पत्रिकाओं को, पत्रिकाओं यानी मैगजीन्स की बात हो रही है, कि रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल होगा। ये ध्यान में रखेंगे क्या क्या प्रावधान है। पत्रिकाओं में किताबें या विज्ञान से संबंधित अकादमिक पत्रिकाएं शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई किताब अगर छापना हो या साइंस से संबंधित कोई पत्रिका है जो एकेडमिक है, जो स्कूल वगैरह में या जो पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल होती है, वो सब इसमें शामिल नहीं है, उनको भी पुस्तक के दायरे में रखा गया है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखें। पत्रिका कौन थी? सार्वजनिक समाचार, इन सब चीजों पे या सार्वजनिक समाचार पर जो टिप्पणियां हैं उन मैगजीन्स के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। जबकि अधिनियम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है और इसने पुस्तकों के सूचीकरण की भी व्यवस्था की है। इसके तहत पुस्तकों की लिस्ट बनी है जिनका इसके तहत रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें। उनकी लिस्ट ये इस विधेयक के तहत जारी किया जाएगा। पुस्तकों को विधेयक के दायरे से बाहर कर दिया गया है क्योंकि एक विषय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधन मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस विधेयक के दायरे से बाहर है। उन्हीं बुक का यहां पर रजिस्ट्री होगा जिनकी ये लिस्ट बनाई जाएगी इनके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रीकरण का प्रोटोकॉल क्या होगा जो प्रकाशन होंगे इसके तहत? तो विधेयक जो है आवधिक प्रकाशकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा आतंकवाद या राज्य सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई के दोषी व्यक्तियों को किसी भी पत्रिका का प्रकाशन निषिद्ध है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद या राज्य सुरक्षा के मामले में दोषी पाया गया है वो कोई भी मैगजीन वगैरह छाप नहीं सकता। जब इस अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र देना अनिवार्य था जिसे इसे समाचार पत्र प्रकाशन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार के पास भेजना था, ये सब इंपॉर्टेंट है। विदेशी पत्रिकाओं के बारे में भी इसमें है जो विदेशी मैगजीन छपेंगे कि भारत के भीतर विदेशी पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसी पत्रिकाओं के पंजीयन के लिए विशेष प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार की जाएगी, ठीक है। इस प्रोटोकॉल के तहत अगर वो फुलफिल करेंगे तो तभी भी विदेशी मैगजीन छापी जाएंगी। प्रेस महारजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी इस विधेयक के तहत। यह विधेयक भारत के प्रेस महारजिस्ट्रार की भूमिका की व्याख्या करता है जो कि सभी पत्रिकाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उसके कर्तव्यों में जो प्रेस महारजिस्ट्रार होगा और क्या क्या कार्य होगा, पत्र पत्रिकाओं का रजिस्टर बना के रखना, पत्र पत्रिकाओं के शीर्षकों के लिए गाइडलाइन स्थापित करना, परिचालन आंकड़ों की पुष्टि करना, रजिस्ट्रीकरण का संशोधन करना, निलंबन करना, रद्द करना, प्रबंधन करना, ये सभी प्रेस महारजिस्ट्रार का कार्य होगा। मुद्रण प्रेस रजिस्ट्रेशन से भी संबंधित है कि प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित घोषणाएं अब जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई घोषणाओं की आवश्यकता से हटकर प्रेस महारजिस्ट्रार को ऑनलाइन जमा की जा सकती है। जो पहले जिला मजिस्ट्रेट वाला था पुराने वाले अधिनियम में, अभी हम लोग पिछली स्लाइड में जो देखे थे, अब उसके जगह पर न होकर के ये प्रेस महारजिस्ट्रार को ऑनलाइन होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान में रखिएगा। यहां से सवाल आने की उम्मीद होगी। जो प्रेस जो रजिस्ट्रार है वो जो भी रजिस्ट्रीकरण हुआ रहेगा उसका निलंबन भी कर सकता है, उसे रद्द भी कर सकता है। कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने, प्रकाशन में रुकावट अथवा अनुचित वार्षिक विवरण प्रदान करने सहित विभिन्न कारणों से किसी पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण को न्यूनतम 30 दिनों मैक्सिमम 180 दिनों तक इसको बढ़ा करके निलंबित करने का अधिकार है, ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट। इन मुद्दों को हल करने में विफलता के परिणाम स्वरूप रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है। रद्द किया ना आधार में है कि पत्रिकाओं के साथ शीर्षकों की समानता अगर नहीं है तो वो रद्द हो सकती है, अथवा स्वामी या प्रकाशक द्वारा आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत दोषी साबित हुआ है तो वो रद्द कर देगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके लिए दंड और अपील का भी प्रावधान है कि ये जो विधेयक है महारजिस्ट्रार को अपंजीकृत पत्र पत्रिका प्रकाशन अथवा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना भी लगाने का अधिकार देता है, ठीक है। इन निर्देशों का पालन न करने पर 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है व्यक्ति को, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों को अस्वीकार करने, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन रद्दीकरण अथवा लगाए गए दंड के विरुद्ध अपील के प्रावधान प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपीली बोर्ड के समक्ष अपील दायर करने के लिए 60 दिनों की अवधि भी होगी उस व्यक्ति के पास। अगर जो दंड और सजा हुआ है इसके खिलाफ अगर अपील करना चाहता है कोई व्यक्ति तो अपील कहां करेगा? प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपीलीय बोर्ड के पास, और उसके पास अपील करने की 60 दिन की अवधि भी होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट। एक और जो ये बिल है ये भी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर
रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल 2023 2023 में आया है, इंपॉर्टेंट है। क्या खास बातें कह रहा है ये देखिए। तो लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में ये दो पारित किए हैं। क्या है ये देखेंगे अभी। यह विधेयक उन लोगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है जिनका अस्तित्व अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में है, उनसे संबंधित है। साथ ही यह विधेयक जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए एक सीट भी आरक्षित करेगा। तो क्या हुआ इस विधेयक में, हम लोग अभी देखते हैं। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखो, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा समझना बनता है कि जब अनुच्छेद 370 नहीं हटा था, यानी निरसन से पूर्व की बात है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा तथा विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर के अलग अलग नियम थे। मतलब अनुच्छेद 370 हटने के पहले की बात है ये। वहां के लोकसभा का परिसीमन करना है, जम्मू के राज्य विधानसभाओं का परिसीमन करना है, तो दोनों के परिसीमन के अलग अलग नियम थे। अनुच्छेद 370 के निरसन और इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदले जाने के बाद, जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा और जब यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का कार्य क्या था जो परिसीमन आयोग बना, यह न केवल जम्मू कश्मीर की सीटों का बल्कि साथ साथ में आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीटों का भी परिसीमन करेगा और इस कार्य को पूर्ण होने के लिए एक वर्ष की समय सीमा भी उसे दी गई। ठीक है, हाल ही में इस आयोग के द्वारा परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर के अब 114 हो गई है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। परिसीमन आयोग बना, 107 पहले सीटें थी, अब वहां की विधानसभा में अब ये सीटें 114 हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब देखो अभी जो विधेयक आया इसके तहत क्या प्रावधान है, यानी जो जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 है ये क्या कहता है। तो इसकी मदद से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन किया जाएगा जो पहले था। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के तहत संशोधन है। क्या है कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश का आरक्षण प्रदान करता है। मतलब जो पुराना वाला अधिनियम था 2004 वाला, इसके तहत जम्मू कश्मीर में क्या था कि एससी एसटी या और जो लोग थे सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े थे उनको वहां पे नौकरियों में क्या है कि और व्यवसायिक संस्थानों में आरक्षण। लेकिन ये जो चेंज हुआ, ये जो 2023 वाला विधेयक है, इसके तहत क्या चेंज हुआ कि संशोधित विधेयक के अनुसार व्यक्तियों का एक वर्ग, ठीक है, एससी एसटी तो वहां पे है लेकिन एक वर्ग को क्या कहा गया है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े। तो उस वर्ग को जो पहले कमजोर और वंचित वर्ग के नाम पे, सामाजिक जाति के आधार पे वंचित वर्ग के नाम में इन्हें गिना जाता था, अब उनको इस नए विधेयक के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है, यानी एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग। ये ध्यान में रखिएगा ये जो चेंज है। और ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 आया, इसके क्या प्रावधान है, तो यह जो है 2019 के अधिनियम में संशोधन करने और कश्मीरी प्रवासियों को पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, से विस्थापित व्यक्तियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। जो पुराना वाला अधिनियम है 2019 वाला, 2023 के तहत क्या है, इसमें कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान है। इसमें एक महिला सदस्य होगी तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति को विधानसभा में नामित करने का उपराज्यपाल की शक्ति होगी। ये 2019 के नियमों के प्रावधान के तहत है। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर 114 करने का प्रस्ताव है, जो नया वाला है, ठीक है, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के विधायकों के लिए आरक्षित होंगी। ये जो नया विधेयक आया है पुनर्गठन वाला, इस विधेयक के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए विधानसभा की 24 सीटें आरक्षित की गई है पीओके के लिए। इसलिए विधानसभा की संबंध प्रभावी शक्ति 83 है, इसे संशोधन के द्वारा बढ़ाकर 90 करने का प्रयास किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर से संबंधित, जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और
आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स के बारे में, विधेयक के बारे में देखा। आज इसका पार्ट वन था, कल इसका पार्ट टू आएगा और ये दो सेशन में ही कंप्लीट हो जाएगा। इस बार की यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।